क्या करें ज्यादा सब्जी हो गया ना, और ऊपर में क्या बना रहे हो? रोटी ना सब आज ज्यादा सबको मत खिला करना। किरण दीदी घर पे प्रसाद है। किरण दीदी घर पे किरण दीदी किरण बोला कल सुबह नाश्ता नहीं करना, बोला रात को प्रसाद नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं रात को पा लेना, कल सुबह नहीं खाना। वो तो वैसे ही बहुत ज्यादा खिलाती थी किरण, तो जबरदस्ती खाओ क्यों नहीं खाओ। हम बोलते कि चुप खड़े रहो, हम ये कहते थे ये मत कर चुप रहो। ओम ज्ञान मिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय प्रदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वृंदाय तुलसीदेव्यय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रजदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्तवृंद हरि कृष्ण हरि कृष्ण 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 हरि हरि हरे हरे राम राम राम। प्रभुपाद को किसने प्रश्न किया है, हम लोग क्या नाम का सेवक है? हम लोग क्या नाम की सेवक है? तब प्रभुपाद कहते हैं निश्चय हम लोग श्री नाम का ही सेवक है। यद आत्मस्वरूपे क्रास्नस्वरूपे वा स्वरूपावस्था है कृष्ण सेवा व्यतीत हमारे अन्य को न कृत नहीं। कहते कहते तीन अवस्था बताया, एक आत्मस्वरूप में, दूसरा कृष्ण स्वरूप में, तीसरा वास्वरूपावस्था है कृष्ण सेवा व्यतीत मध्य को न कृतना ही। वह तीनों अवस्था में ही हमें क्या करनी चाहिए, भगवान की कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। पहला स्वरूप क्या बोले आत्मस्वरूप। आत्मस्वरूप मतलब जीव को जब वस्तु सिद्धि हो जाती है, वस्तु सिद्धि क्या है? कहते एक होता है स्वरूप सिद्धि और एक होता है वस्तु सिद्धि। बोले स्वरूप सिद्धि किसको कहते हैं? बोले जब अभी भक्ति करते 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 जब हृदय से अनर्थ दूर हो जाए, हैं रुचि निष्ठा आसक्ति हैं, जब भावावस्था हो ना, तब जीव का असली स्वरूप प्रकट होता है, असली स्वरूप प्रकट होता है। और प्रेमावस्था में भास कृष्ण सेवा, जीव को कृष्ण सेवा की प्राप्ति हो जाती है, कृष्ण दर्शन हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर में कृष्ण सेवा करने की एक वृत्ति विद्यमान है, लेकिन वो जो वृत्ति है अभी वो छुपा हुआ है, अभी वो छुपा हुआ है। लेकिन जब हम भजन करेंगे भक्ति करेंगे धीरे 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 वो वृत्ति अपने आप प्रकाश होगा। अगर कृष्ण का सेवक हो तो हैं कृष्ण को प्रभु मान करके, अगर कृष्ण की सखा हो तो कृष्ण के साथ में दोस्त रूप में, अगर वात्सल्य रस में हो तो कृष्ण को अपना बेटे रूप में, अगर श्रृंगार रस में हो फिर भी श्याम सुंदर को अपना प्रियतम रूप में, राधा जी की अनुगत्य में क्या होता है सेवा हम करते हैं। इसलिए उसको कहते हैं ये आत्मस्वरूप है। दूसरा क्या है बोले कृष्ण स्वरूप है, हम सबके सब कृष्ण है। कृष्ण मतलब क्या है? जो कृष्ण को उपासना करते हैं हम लोग कहते हैं कृष्ण, जो विष्णु को उपासना करते हैं कहते हो वैष्णव है, जो देवी को उपासना करते हैं उसको कहते हैं शाक्त कहते हैं, जो गणेश जी को उपासना करते हैं जो गणपत्य कहते हैं, लेकिन जो शिव को उपासना करते हैं उनको शैव कहते हैं। लेकिन हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? कृष्ण। कृष्ण है, कृष्ण मतलब जो कृष्ण को उपासना करते हैं।
और कृष्ण ने कृष्ण कृष्ण मतलब होता है कि जैसे अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, बोले उत्तमा भक्ति किसको कहते हैं, बोले अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम, जो काम करने पर कृष्ण प्रसन्न होएंगे, कृष्णानुशीलनम केवल कृष्णानुशीलनम नहीं बाबा बोले छोटी इसलिए कृष्ण मतलब होता है श्री राधा रानी की अनुगत में जो भजन करते हैं उसको कृष्ण कहते हैं। इसलिए कहते जब हम कृष्ण स्वरूप में तभी भी और कहते स्वरूप अवस्था में और जो अपना स्वरूप में हम अवस्थित हो जाएंगे कहते उसी समय कृष्ण सेवा व्यतीत कृष्ण सेवा को छोड़ करके हम लोगों का और भी कोई कृत्य नहीं होता है, केवल एक ही कृत्य है जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान का ही नित्य सेवक है और हमारा कर्तव्य क्या कृष्ण को सेवा करना ही हमारी कर्तव्य है गुरु वैष्णव की अनुगत्य में। कृष्ण नाम ही सही कृष्ण वस्तु, प्रश्न क्या था, प्रश्न था हम लोग क्या श्री नाम का ही सेवक है, हम लोग कृष्ण का सेवक ना नाम का सेवक है, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कृष्ण नाम ही सही कृष्ण वस्तु, जो कृष्ण नाम ही कृष्ण साक्षात रूप में, इसलिए बोले अभिन्नत्वात् नाम नामिने, कहते नाम और नामी में कोई भेद नहीं, वो एक ही वस्तु है, बल्कि हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए एजनई श्री नाम सेवाई कृष्ण सेवा, इसलिए जो व्यक्ति नाम का सेवा करता है ये कृष्ण सेवा है, नाम सेवाई कृष्ण सेवा, लेकिन अभी हमारे अनुभूति नहीं है चीज भगवान का नाम सेवाई कृष्ण सेवा, अभी ये चीज हमारी अनुभूति अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे भजन करते 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 हमारी जो गोस्वामी लोग थे दिन भर क्या करते थे, दिन भर अभी तो हम यहाँ तो हम कृष्ण का सेवा करते दिन भर मानसिक सेवा में डूबे रहते थे, मानसिक सेवा में वो डूबे रहते थे 26 घंटा माला लेकर के, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, दिन रात तो भगवान के नाम ही करते थे, नाम ही करते थे, लेकिन इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं भजन रे मध्य श्रेष्ठ नव विद्या भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, कहते जितने भक्तियों में पहले 64 भक्ति का अंग है उसको सारांश रूप में जब लिया ये 9 तरह का भक्ति अंग होता है, क्या क्या है बोलो क्या क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मा, कहते 9 तरह का भगवत भक्ति है, कहते भक्तों ने कोई कोई भक्ति तो 9 भक्ति अंग का जाजन किया, लेकिन किसी किसी भक्त ने केवल एक भक्ति का अंग जाजन करते हुए भगवत प्राप्ति हो गई, बोले कौन कौन, बोले श्री श्रवण में श्री परिकित महाराज, उन्होंने कुछ नहीं किया केवल बैठ करके भगवान की कथा सुने, वो कथा सुनते 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 वास ठाकुर जी हृदय में बैठ गए, सब कुछ अनर्थ निवृत्ति और सीधा भगवत प्राप्ति हो गई। श्रवणम कीर्तनम कीर्तन करते करते कौन भगवत प्राप्ति की, कैसरी सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने और कुछ नहीं केवल भगवान की कीर्तन करते थे भगवान की कथा सुनाया करते थे, बोले स्मरण में कहते श्री प्रह्लाद महाराज, सारा दिन बैठ करके भगवान चिंतन करते 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 उसमें अपना मन को डुबो देते थे, बोले पाद सेवन में कौन प्राप्त किया भगवान की चरण सेवा करते करते, कहते लक्ष्मी, केवल प्रभु की चरण सेवा करते करते
भगवत प्राप्ति कर लिया, अर्चन में श्री ऋतु महाराज, इसलिए कहते बंधन में कहते श्री अक्रूर जी, सख्य में अर्जुन, दास्य में हनुमान और आत्मनिवेदन में श्री बलिमान। इन लोगों ने केवल एक एक भक्ति को उन्होंने जाजन किया तो उसी में ही उनको भगवत प्राप्त उसी में ही हो गया। लेकिन कोई कोई व्यक्ति बहुत सारे भक्ति अंग जाजन करते थे, पहले कौन है जैसे श्री अम्बरीश महाराज, वो क्या करते थे बहुत सारी भक्ति का, भले सबई मन कृष्ण पदार बिंदयो, भले मन को द्वारा क्या करते थे भगवान की चरण की चिंतन करते थे, भले बाचालसी वैकुंठ गुणान वर्णने, वचन को द्वारा भगवान की गुण कीर्तन करते थे, श्रुतो अच्युत सत कथा दयो, कानों से भगवान अच्युत की कथा सुनते थे, करो हरीर मंदिर मार्जनादिशु, हाथों को द्वारा क्या करते थे भगवान की मंदिर साफ करते थे, और पैर को द्वारा धाम परिक्रमा, तुलसी परिक्रमा और मंदिर परिक्रमा करते थे। इन्होंने बहु अंग को जाजन करते थे, हम लोग भी बहु अंग जाजन कर रहे हैं, कथा सुन रहे, ये हो गया श्रवण, भगवान की कीर्तन करते हैं, ये हो गया कीर्तन हैं, और भगवान की सेवा पूजा कर रहे हैं, ये हो गया अर्चन, हो गया पाद सेवन में, कहते पाद सेवन में जैसे नवद्वीप धाम परिक्रमा करने जाओगे, और कहाँ जाओगे, वृंदावन धाम परिक्रमा करने जाते हो, उसको द्वारा क्या हो जाता है पाद सेवन का भक्ति उसमें हो जाती है, हैं, इसलिए आत्मनिवेदन गुरु वैष्णव के चरण में शरणागति हो जाते हैं, हाँ उसमें आत्मनिवेदन हो जाती है, इसलिए हम लोग भी बहुत सारे भक्ति का अंग को हम जाजन कर रहे हैं, इसलिए उसमें सारांश रूप में फिर पांच भक्ति का अंग लिया, और सारांश रूप में पांच तरह का भक्ति क्या है, कहते साधु संग, दूसरा है नाम संकीर्तन, तीसरा है ब्रजवास करना मथुरावास करना, चौथा है भागवत कथा सुनना, और पंचमा है कहते ठाकुर जी का अर्चन करना, ठाकुर को पूजा सेवा करना, उसमें सारा से लेकर फिर पांच किया, कहते उसको सारा स्वरूप में लिया तो उसमें फिर तीन कर दिया, तीन किया है कहते श्रवण कीर्तन और स्मरण, इसको तीन ले लिया, लेकिन उसको जब सार रूप में लिया है केवल कीर्तन, केवल कीर्तन, कि जब हम सही से भगवान का कीर्तन करेंगे नाम करेंगे ना, इसको द्वारा सारे भक्तों का भक्ति का अंग सब कुछ जाजन हो जाएगा, जैसे हमारे गोस्वामी वर्ग करते थे, हमारी गोस्वामी वर्ग दिन रात भगवान की मालाएं जप करते थे, संख्या पूर्वक नाम गान नति भी सारा दिन संख्या पूर्वक नाम हैं कीर्तन भगवान की संख्या पूर्वक सारा दिन, हरिदास ठाकुर तो 26 घंटा में 26 घंटा क्या करते थे, हाँ 3 लाख हरिनाम करते थे, 1 लाख हरिनाम तो जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और 1 लाख हरिनाम अपना कान तक सुनाई पड़े, और 1 लाख हरिनाम करते थे अपना मन मन में करते थे, वो 3 लाख ऐसे हरिनाम को 3 लाख हरिनाम को जपा करते थे, 3 लाख हरिनाम को 3 लाख हरिनाम को दिन भर जप करते थे, बोले भगवान नाम ही क्या है भगवान की सेवा, लेकिन अभी हम भगवान का नाम बोला हमारी अभी ठाकुर की डायरेक्ट सेवा नहीं हो पा रहे क्योंकि अभी हम अनर्थग्रस्त हो रहे हैं, अभी तो हमारे धीरे धीरे हमारे अनर्थ धीरे धीरे जब नष्ट होगा, एक दिन नाम करते 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 जो नाम ही कृष्ण स्वयं ये प्रकट हो जाएगी, है स्वयं प्रकट हो जाएगी, जैसे हमारे संप्रदाय में एक भक्त थे श्रीनिवास आचार्य था, उन्होंने अपना शिष्यों को कह बोले थे देखो अगर कभी मेरे शरीर में
अगर कोई ध्यान में बैठ गया कोई इधर उधर विकृत देखना ना, देखो मेरे एक शिष्य है रामचंद्र कविराज, उसको बुला लिया देखना। एक दिन हरिनाम करते 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 हरिनाम करते करते बस वो एकदम पहुंच गए राधा कुंड में, हैं इधर हरिनाम कर रहे हैं बैठे हुए, करते करते पहुंच गए राधा कुंड में। राधा कुंड में क्या हो रही थी, वहां पर राधा रानी जब कृष्ण के साथ में जल विहार कर रही थी, राधा रानी का नाक का बेसर नहीं खो गई। अभी खो गई तो राधा रानी अभी वापस जाएगी जावट में, जाएगी तो सास और उनका जो ननंद जटिला और कुटिला, जटिला कुटिला जटते कि नहीं, हाँ जटिला में तो जट पकाना और कुटिला में तो कुटकुट कुटकुट करना है, इसलिए अभी वहाँ जाएंगे तो बोलेगी नाक की बेसर कहाँ गया, कहाँ खो कर आ गई नाक की बेसर, अभी मैं क्या करूँगी। इसलिए अभी सारी सखियाँ क्या कर रही थी, राधा रानी की नाक की बेसर ढूंढ रही थी, कहाँ पर राधा रानी का बेसर नाक की गिर गया, लेकिन किसी को मिल नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था। तो इतने में कहते श्री ये हमारे श्रीनिवास आचार्य, वो भी राधा रानी की एक सखी है, हैं वो भी वहाँ ढूंढ रही थी, ढूंढते ढूंढते वहाँ समय के लिए तो थोड़ी समय, लेकिन इधर ध्यान बैठे तो 3 दिन तक कोई शरीर में, हाँ शरीर में कोई होश आवास नहीं, लेकिन वो समाधि में बैठी गई, मरे नहीं, मर जाएगी तो लुढ़क जाएगी ना, समाधि में बैठे पूरा पूरा बैठ गए। अभी उन्होंने बोले गुरुदेव कहाँ गए, तो समाधि में बैठ गए, बोले उन्होंने बताए थे रामचंद्र कविराज को बुला लेना, फिर उन्होंने गए रामचंद्र कविराज को बुलाए, गुरुदेव तो 3 दिन से एकदम समाधि में बैठे हुए, वो बोले थे आपको बुला लेने के लिए अब आओ, तो आए तो उन्होंने गुरु जी के पास में बैठ गए, बोले देखो मैं गुरु जी को ढूंढने जा रहा, जब तक मैं नहीं आऊँगा ना हम दोनों शरीर को रखा करना। अभी वो भी ध्यान में बैठ गए, गए ढूंढने के लिए गुरु जी कहाँ हैं, ढूंढते ढूंढते गए, देखा राधा कुंड में राधा रानी के नाक के बेसर गिर पड़ा है, और सबके सब ढूंढ रहे हैं, ये भी जाकर ढूंढने लगे गुरु जी के साथ में, ढूंढते ढूंढते इनको ही नाक की बेसर इनको ही मिल गया, मिल गया तो बोले गुरु जी मेरे को मिला। तो उन्होंने क्या किया, नाक की बेसर उन्होंने उनको गुरु जी को दिया, और उनको गुरु जी को करते करते ललिता के पास में पहुंचा, और ललिता ने राधा रानी के नाक में पहना दी। राधा रानी तो बड़ी खुश हो गई, बोले ये नाक की बेसर मिला किसको, बोले नई गोपी आई है, बोले उसको लाया करो। जब लाए ना बास राधा रानी प्रसन्न होकर के सर पर हाथ रखी, और अपना जो तांबूल है जो तांबूल पान की बिड़िया खा रही थी उन्होंने उनको पान की बिड़िया प्रसाद रूप में दिया, और दोनों प्रसादी गुरु और चेला राधा रानी की प्रसाद पाते ही इतने प्रसन्न हो गए, और दोनों यहाँ पर जो बैठे हुए थे ना बास उन्होंने छलांग लगा कर खड़े हो गए, बोले श्री राधा रानी की जय, छलांग लगा कर खड़े हो गए। सबके सब पूछे भैया तुम कहाँ चले गए थे, तो उन्होंने सारी बात को बताए, राधा की नाक की बेसर खो गया था इसलिए गुरु जी ढूंढते देर हो गई थी, इसलिए मैं गुरु जी के पास में गए ऐसे ऐसे लीला हुई। कहते हरिनाम करते 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 जब हमारे हृदय संपूर्ण शुद्ध हो जाएगा, प्रेमावस्था हमारे हृदय में आएगी, उसी समय में हरिनाम करते करते बाबा ठाकुर जी की जैसे हम टीवी में सीरियल देखते हैं ना, ऐसे हमारे हृदय में भी ठाकुर जी की सारे सीरियल हृदय में सुंदर सुंदर लीला हृदय में प्रकट होगा, हैं बड़े सुंदर सुंदर ठाकुर को लीला दर्शन करते करते उसमें डूब जाएंगे, हैं। इसलिए यहाँ पर यही बात को बता रहे हैं, कहते क्या हम लोग नाम का सेवक है, हाँ क्योंकि भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, लेकिन हम हमारे नाम में फर्क है, हमारे नाम में फर्क है, जैसे हमारे कोई दूसरे जगह पर हमारा नाम को कोई बुलाया क्या हम जा सकते हैं, जा नहीं सकते, लेकिन अगर यहाँ बैठ कर के जैसे द्रौपदी ने जब नाम पुकारी झट आ गए घनश्याम, हरी से बड़ा हरी का नाम, द्रौपदी ने जब नाम पुकारी कहाँ ये हस्तिनापुर में और कहाँ कृष्ण द्वारका में, बास उन्होंने हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हरी के बोले, भगवान स्वयं अपना दोपट को ठाकुर जी फेंक दिए। इसलिए और गजराज ने नारा
केवल उन्होंने दो अक्षर बोले और ये ना बोले ही नहीं नारा इतना दो अक्षर बोले, बोलते चक्र आया मगरमच्छ को काट दिया। बोले भगवान को जीवन में दो बार जल्दी मची है। बोले कब जल्दी मची? पहले द्रौपदी को वस्त्र हरने में और श्री हाथी को उद्धार करने में। केवल दो बार भगवान के जीवन में जल्दी तो बहुत मची है, लेकिन वैसे ठाकुर को दो बार जल्दी मची है। इसलिए नाम को चिंता रहती है, नाम ना हो बदनाम, हरि से बड़ा हरि का नाम ना। इसलिए जब भगवान का नाम लेते हैं भगवान को क्या चिंता रहती है? भैया मेरे नाम कोई बदनाम नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे नाम को कोई अगर पुकारे हैं पुकारे, अगर भगवान सोचते हैं नाम बदनाम नहीं होनी चाहिए, नाम लेते ही ठाकुर जी स्वयं वहाँ प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण नाम ही सही कृष्ण वस्तु, जो कृष्ण नाम वो कृष्ण ही है, हैं कृष्ण ही है। इसलिए एक जन श्री नाम सेवा ही कृष्ण सेवा, जब हम श्री नाम की सेवा करते हैं हरि नाम करते हैं समझो। इसलिए किसी किसी भक्तों को देखा ना जैसे माला कर रहे ना, जैसे मतलब ऐसे ऐसे करते हैं वो माला को ऐसे 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 करते ऐसे ऐसे, मतलब कहते हैं ये नाम स्वयं कृष्ण है, हम नाम नहीं कर रहे, नाम की हम चरण दबा रहे हैं पर नाम को हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन ये जो वस्तु है अभी हम हरि नाम करते हैं, हरि नाम करते करते हमारा मन इधर उधर भटकता है, हमारा मन इधर, क्योंकि अभी हमारा चित्त शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं होने का ना जो अनर्थ ग्रस्त है, इसलिए हमारे मन इधर उधर जाते हैं। लेकिन जिनके अनर्थ निवृत्ति हो गया वो तो नाम करते ही जैसे साक्षात नाम स्वयं उनके जुहा में प्रकट हो जाते, प्रकट हो जाते साक्षात भगवान नाम है। अब देखो एक जगह में बैठी करके अब सोलह माला जप करो, तुम्हारे अंगुल भी दर्द करने लग जाएगा, जीवा भी है दर्द होने लग जाएगा। लेकिन मेरे हरिदास ठाकुर तीन तीन लाख कैसे हरिनाम करते हैं? अब देखना सोलह माला अगर करती ना सवेरे से लेकर शाम तक हमारी सोलह माला खत्म नहीं हो पाती, लेकिन फिर वो तीन तीन लाख और एक लाख कोई हरिनाम करेगा ना तुमको तो चौबीस घंटा है तुम्हें लगे रहना पड़ेगा, तभी किसी तरह से एक लाख हरिनाम पूरी होती है। और वो व्यक्ति कितना लाख हरिनाम करते थे? तीन लाख हरिनाम करते हैं। जब हृदय शुद्ध हो जाता है ना, नाम प्रभु स्वयं उसके जीवा में प्रकट हो जाते हैं, उस समय कष्ट नहीं होता है, उस समय तो कहते नाम कृष्ण नाम सुधा रस करियापान जुड़ाव भक्ति विनोद प्राण। उस समय में कृष्ण नाम से अमृत निकलता है, वो अमृत को वो पान करता रहता है। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले तुंडे तांडव निमित विकनुते तुंडा बलि लब्धे कर्णा क्रडो कडमिने घटयते कर्णा बुधे वस्प्रिया चेत प्रांगण संग निरचयते सर्वेन्द्रियाणां कृति नो जानी जनित किम अद्भुत कृष्णेति वर्णत। रूप गोस्वामी कहते हैं भैया ब्रह्मा को तो सृष्टि करना आते ही नहीं, और इतना सुंदर कृष्ण नाम इतने सुंदर, और उसको करने के लिए एक ही जुहा दे दिया है। कभी ये जुहा जब जुहा नाम जब जुहा को ऊपर में उदय होता है ना, जुहा ऐसे थिरकने लग जाती है। तांडव नहीं, तांडव मतलब तो शंकर जी का नृत्य को तांडव नृत्य कहते, शंकर जी उन्माद होकर के कृष्ण प्रेम में नृत्य करते हैं उसको तांडव नृत्य कहते हैं। उसमें जो जीवा है ना थिरकने लग जाती है, जीवा थिरकने लग जाती है, इसलिए उनको ऐसे लगता है एक ही जीवा क्यों दिया है और अर्बुद खरबुद जीवा क्यों नहीं दे दिया। जो कानों में प्रवेश करता है बोले कर्ण क्रड़ो कड़मिनी घटे थे करना बुधे विस्प्रिया, इसलिए जो कान में प्रवेश करता है उस समय करोड़ों कान की प्राप्त करने की इच्छा करता है। हृदय में जो प्रवेश करता है नाम, मानव हृदय में आनंद रस की वर्षा होने लग जाती है, सारी जड़ इंद्रियों को स्तब्धीभूत करके हृदय में दिव्य इंद्रियों को प्रकट कर देती है। इसलिए चूंकि अभी हमारी अनर्थग्रस्त है, अभी ये चीज हमारी उपलब्धि नहीं हो रही,
लेकिन जो अनर्थ से मुक्त हो जाएंगे फिर तो नाम सेवा को ही हम भगवत सेवा मानेंगे, भगवत सेवा हम मानेंगे। जखन ही आमरा कृष्ण सेवा बात नाम सेवा भूलिया जाई तखन ही स्वरूप विष्णु भैया विरूपावस्थाए माया कबले कबलित तो हया दुख पाई। कहते हम दुख कब मिलता है, क्या बंद हो गया? कहते हम दुख कब मिलता है, बताओ दुख कब मिलता है? पर दुख हम तभी मिलता है जब हम भगवान भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। हम कौन है? भगवान का सेवक है, भगवान की सेवक है, भगवान का दास है। जब हम भगवान का दास अगर हर समय ये हमारी स्मृति में रहे फिर हम क्या करेंगे? दिन भर भगवान की दासत्व करेंगे, भगवान के नाम की सेवा करते रहेंगे। तखन ये स्वरूप विस्मृत हया विरूपावस्थाए माया कबले कबले तो दुख पाई। कृष्ण को भूल जाने पर माया हमें पकड़ लेती है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। जब भगवान को भूल जाते हैं तभी हम जीवन में दुख कष्ट भोग करते हैं। गुरु कृपा जखन हमारे संबंध ज्ञान है तखन हमारा जानते बारी हमारा कृष्ण नित्य दास एवं ईशावासम सर्वम ए जगत सकल वस्तु कृष्ण सेवा उपकरण। जब गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर होती है तखन हमारे हृदय में संबंध ज्ञान होते हैं। संबंध ज्ञान मतलब भगवान से हमारी क्या नाता है, भगवान से हमारी क्या संबंध है, तभी हम अपने आप को क्या जान पाते हैं भगवान का नित्य सेवक। और क्या उपलब्धि होता है दुनिया में, हम जो कुछ हम दर्शन कर रहे हैं सबके सब कृष्ण सेवा का वस्तु। जगत में अपना भोग का वस्तु कुछ भी नहीं, सब भगवान बनाया, भगवान का दुनिया। और हर चीज को क्या करनी चाहिए, भगवान की सेवा में हर चीज को लगाओ। जारा संसार रहते उद्धार पाया चिर सुखी है त्वचा। कर जो व्यक्ति सारे दुख कष्ट से मुक्त होकर के चिरकाल के लिए परम आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं उनको क्या करनी चाहिए, बल्कि उनको सतत कृष्ण नाम कीर्तन करिवे, हर समय भगवान का नाम जप करो। हर समय क्या करो, भगवान की नाम को जप करो, उठते बैठते सोते चलते फिरते हर समय क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाथों में जो कुछ करो ठाकुर की सेवा मान कर करो, हर मुंह में क्या करो, हर समय ठाकुर का नाम को गुनगुनाते रहो। जैसे गोपियाँ हाथ में सेवा करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, हर मुंह में गोविंद दामो धर्माधवेती गोविंद दामो धर्माधवेती हे कृष्ण हे जा दबे सकेती गोविंद दामो धर्माधवेती। दिन रात भगवान की नाम कीर्तन करती रहती है, इसलिए भगवान का नाम कीर्तन करने से क्या होता है तो जीवन का सारे दुख खत्म हो जाएगा, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना, हमारी दूसरे चीज में हमारा तो विश्वास हो जाती है लेकिन भगवान के नाम में विश्वास नहीं होती। कोई बोलते ना अरे अमुक जगह में कोई एक बाबा प्रकट हुआ है जिसके सर पर हाथ रखता सब हो जाता है, भले वो झूठ मूठ हो ना, और अमुक जगह में 100 किलोमीटर होगा तो हम भागते हुए जाएंगे, अमुक जगह में कोई बाबा। लेकिन भाई कोई हरिनाम कर बैठ करके उसमें हमारे विश्वास नहीं होता है, हाँ उसमें हमारे विश्वास नहीं होता है। लेकिन इधर उधर कोई चीज बोल दिया ना, अरे वहाँ पर कोई हम कोई देवी वहाँ प्रकट हुई है, अरे बाबा उनको जो दर्शन कर लेना उसको सारी इच्छा पूरी हो जाती, भाग भागना शुरू करते हैं, वहाँ एकदम भागना शुरू, पूछ खड़ी करके भागना शुरू करते हैं। कहते नहीं भैया पता है भगवान का नाम से तुम्हारी जो वस्तु नहीं हुई ना, भगवान के नाम के द्वारा तुम्हारी जो चीज नहीं हुई, कि दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं जो किसको द्वारा वो चीज हो सकती है, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है। और जितने सारे दुख कष्ट का मूल कारण है भगवान को भूल गए यही। और भगवान का नाम करने से क्या होता है, चेत दर्पण भार्जनम
भव महादवाग्नि निर्वापनम, कहते भव महादवाग्नि है। यहाँ पर बताए भव, भव मतलब क्या, भू से भव, भव मतलब होता है होना है। हम जो पुनरपि जन्म पुनरपि जनरी जठर सैनम मरते हैं, फिर मैया के पेट में आते हैं, फिर जन्म ग्रहण करते हैं, जन्म लेने पर फिर दुख कष्ट वो करते हैं, फिर दूसरे जीवन में जाते हैं, अनादिकाल से फिर जन्म मृत्यु का चक्कर में हम पड़े हुए हैं हाँ। भव मतलब होता है कि संसार में जो आकर के तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी, संसार से जो दुखी 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 दुखी, उसको कहते भव। यदि ये क्या है, बोले दावाग्नि। दावाग्नि मतलब क्या, कि साधारण आग लग जाए ना फायर विकेट में, इसको बुझा सकते हो हैं, लेकिन जब जंगल में लकड़ी में लकड़ी घिस कर जब जंगल में आग लगती है, भयंकर रूप है, भयंकर रूप, वहाँ फायर विकेट कोई काम नहीं करेगा हैं, कोई काम नहीं करेगा। अगर कभी बारिश ही हो तो, घना घोर बारिश ही हो तो जाकर किस तरह से वो आग बुझती, नहीं तो पूरा जला करके राख कर देती। उसी तरह ये संसार को बताया किया भव महादावाग्नि, छोटे दावाग्नि नहीं, सबसे बड़ी आग लगी हुई संसार में। सबसे बड़ी संसार में आग लगी हुई मतलब क्या, तो तरह तरह का जो दुख कष्ट हम संसार में भोग रहे हैं, क्योंकि आग बुझेगी कैसे। महा भगवान स्वयं कहते हैं अगर मेरे नाम को ग्रहण करो, मेरे नाम को ग्रहण करो, अगर मेरे नाम को ग्रहण करोगे तो निर्वापनम, निर्वापनम मतलब क्या, जैसे संसार में देखना, जैसे कोई एक दुख आया, हम क्या सोचते हैं भैया एक दुख दूर हो जाएगा हमको चैन मिलेगी, देखना वो दुख तो गई नहीं, फिर दूसरे दुख आ गई, दूसरे समस्या आ गई, फिर क्या करते हैं भैया ये दूसरे समस्या चली गई, चली जाएगी ना भैया संसार में चैन आएगी, फिर देखना वो दूसरा तो समस्या नहीं, तीसरा चैन, तीसरा समस्या। यहाँ पर जो कहते हैं निर्वापनम, निर्वापनम मतलब है जैसे कहीं आग लग गई फिर आपने बुझा दिया, भैया दो बार तो आग लग सकती है, जैसे संसार में कोई दुख आया, कोई दुख या फिर दूसरे दुख आ गया, तीसरे दुख आ गया, कहते हैं निर्वापनम। निर्वापनम मतलब क्या, ऐसे ही आग बुझ जाएगी, दो बार कभी आग लगने का चांस नहीं रहेगी। अगर हम हरिनाम करेंगे तो ये हरिनाम से चिरकाल के लिए जितने दुख कष्ट है जीवन का संपूर्ण रूप में बुझ जाएगी, दो बार कभी वो दुख आएगी नहीं, क्योंकि हरिनाम के द्वारा साक्षात कृष्ण दर्शन, कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कहते नजत रोग, जहाँ पर रोग नहीं, न जरान कोई बूढ़ा बूढ़ी नहीं होता है, हैं मृत्यु कोई वहाँ मरता नहीं है, वो कहाँ कौन सा लोग वैकुंठ लोग है, भगवान के लोक में जहाँ दुख और कष्ट जन्म मृत्यु, वहाँ पर तो सबके सब टीन एज में जितने कृष्ण की सखा देखो ना, ना 10, 11, 14 उससे बड़े कोई नहीं है। जितने गोपियाँ देखो, गोपियों को देखो कितना उम्र देखो, सब 12, 13, 14 साल की, इससे कोई बड़ी नहीं तब गोपियों को कभी, वहाँ पर कोई बड़ी नहीं होती, कोई बूढ़ा नहीं होगा, कोई बूढ़ी नहीं होगी। हाँ देखो उसके लिए कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सही सही भगवान नाम जप करना पड़ेगा, बस इतना करो। एक जीवन परिश्रम कर लो, जैसे बच्चा बढ़िया करके पढ़ाई कर लेता है ना, फिर क्या होता है, बस बढ़िया नौकरी मिल जाता है, पेन चला कर बैठी करके एसी घर में, बस लाख लाख रुपया भी पैकेज मिलता है चला चल हाँ, लेकिन परिश्रम करके। लेकिन ये जगत का परिश्रम तो वो तो थोड़ी दिन के लिए है, उसमें भी पैसा पाने पर भी सुख शांति नहीं, लेकिन एक बार अगर प्रभु को प्राप्ति के लिए अगर हम परिश्रम कर ले, थोड़ी सी जी जान लगा दे बढ़िया से, हरि नाम ठाकुर का भजन साधन करना, बस हो गया काम, हमारे हमारे काम हो गया, जन्म जन्मांतर के लिए सारे दुख समाप्त हो जाएगी। उसके लिए मन लगा करके गुरु वैष्णव की सेवा, भगवान की भक्ति, हरिनाम, बस एक जीवन, एक जीवन प्रभु जी भजन में लगा दो, फिर तो जो जन्मा जन्मांतर की जो दुख कष्ट है, इसलिए भागवत में बताया एतावत जन्म साफल्यम देहिनाम देही यह सुखम है, कहते अभी तक जितने जीवन गया है, कहते ये सारे हैं जन्म सफल हो जाएगा, सारे जीवन सफल हो जाएगा, प्राण ही अर्थ ही दिया अच्छा
श्रेय आचरणम श्रद्धा काय मन वाक्य को द्वारा क्या करो भगवान की भक्ति कर लो, इसी तरह से रगड़ करके शरीर को बस हो गया, तुम्हारी काम बन जाए। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है, लेकिन हमारा मन है ना दूसरे चीज में तो लग जाती है, लेकिन भजन करने में नहीं लगती। दूसरे चीज में आसानी में लग जाएगी, लेकिन भजन करने में मन, ये बड़ी आश्चर्य चीज। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, एक बच्चा एक साल के लिए जितने परिश्रम करता है ना एक क्लास से दूसरे क्लास जाने के लिए, हैं दूसरे साल के लिए जितना परिश्रम करता है, अगर उतना चेष्टा अगर प्रभु की भजन में लगा लेगा ना, इसी जीवन में उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। जैसे पेपर आ जाता है एकदम रटते रहते कि नहीं, पूरा रटते रहते, कितने कितने घंटा पढ़ते हो? तीन तीन चार चार पाँच पाँच घंटे निकल जाते हैं पेपर के लिए। पेपर जब आ जाती है पाँच पाँच, कभी कभी तो दस दस घंटा पढ़ते हैं बच्चे, कभी कभी तो बच्चे चौदह चौदह घंटा पढ़ते हैं। हाँ, अभी तो जब ऊपर जाओगे, जब ऊपर ऊंचा ऊंचा क्लास आएगी, फिर तो दिन रात हैं, दस दस घंटा, बारह बारह घंटा, चौदह चौदह घंटा, रात भर। कोई बोल रहा था मैं सारा रात पढ़ता हूँ, पढ़ करके सवेरे क्या करता सो जाता हूँ, सारा रात पढ़ते इतना जितने ब्रेन एनर्जी उसमें लगाते पढ़ाई में, उतना भजन में लगा दो, उतने भजन में लगा दो, बस पढ़ाई याद कब रहेगा? जब मन को सारा दुनिया से हटा करके उसी में ही डुबाना पड़ेगा, है ना? तभी तो कोई चीज को याद कर सकते हो, नहीं तो याद कर ही नहीं सकते, पूरा उसमें डूब। आप उतना आप भगवान का नाम लगा दो, भगवान मिल जाएंगे। लेकिन हम भगवान की भक्ति में लगा नहीं पाते, लेकिन दुनिया में लगा देंगे, लेकिन इसमें नहीं लगा पाते हैं। इसलिए कहते भैया किसी तरह से एक जीवन को रगड़ करके क्या करो, भगवान की भक्ति में भजन में हरिनाम में लगा दो, बस हमारी काम बन जाएगी। हाँ, इसलिए कृष्ण कीर्तन करीबे कहाँ चला गया? हाँ, जारा संसार है तो उधार पाया, चिर सुखी है तो चाह, भले इस दुख कष्ट से निकल कर चिर काल के लिए सुखी बनना चाहते हो, क्या करा? ताहरा सतत कृष्ण नाम संकीर्तन करीबे, उनको क्या करना पड़ेगा? हर समय उनको कृष्ण कीर्तन करना पड़ेगा। यह ही महाप्रभु का उपदेश, भगवान स्वयं इसको उपदेश देते हैं। भगवान कौन है? राधा कृष्ण। अगर तुम चिरकाल के लिए सुख पाना चाहते हो क्या करो? मेरे नाम को तुम जप करो, मेरे नाम जप से तुमको चिरकाल के लिए आनंद ही आनंद, सुख ही सुख। ठीक है, बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय, गीता हरि नाम संकीर्तन की जय, गीता गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। बल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।